नमस्कार, मैं नितिन कुमार जांगिड, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए कंडीशन क्या होती है। ठीक है, आज हम देखेंगे ऑल डे एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर के लिए। हमें पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर वही एफिशिएंसी हम 24 आवर्स के लिए देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एनर्जी आउटपुट 24 घंटे में पूरे डेली रूटीन के अंदर और एनर्जी इनपुट 24 घंटे में, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होती है हमारी ऑल डे। मतलब हम एफिशिएंसी कर रहे हैं ऑल डे वर्किंग पे, एक ट्रांसफॉर्मर 24 घंटे के लिए वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे एनर्जी आउटपुट फॉर 24 आवर्स और एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी लॉसेस 24 आवर्स के लिए, तो वो हो जाएगी मेरी इफ़िशियंसी ऑल डे के लिए। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने बहुत आवश्यक है ऑल डे इफ़िशियंसी को समझने के लिए। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेड बाई ऑल डे इफ़िशियंसी और एनर्जी इफ़िशियंसी। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस होती है ऑल डे की, वो हम ऑल डे एफिशिएंसी या जिसे हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर हमारा फुल लोड के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, सिर्फ फुल लोड के ऊपर वर्क करता है, इसलिए हम पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एक समान रहती है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की चेंजेस होती रहती है, बिकॉज क्या होता है कि मान लो अभी फुल लोड पे है, लेकिन कुछ समय बाद ही फुल लोड पे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कंज्यूमर लोड की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। मान लो कंज्यूमर को कम लोड की आवश्यकता है, ठीक है, तो वो कम कंज्यूम करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो लोड होता है हमारा वो वेरी करता है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पे होता है। इसलिए हम जो ऑल डे एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ही करेंगे, पावर ट्रांसफार्मर के लिए नहीं, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पे वर्क करता है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी होता है जो फुल लोड पे या हम उससे कम लोड पे परसेंटेज लोडिंग पे वर्क करता है। फिर देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वर्क लेस देन फुल लोड, तो हम ये इससे ये मान सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो फुल लोड से कम पे काम करता है यूजुअली। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आप एवरेज ले लो कि वो फुल लोड के 70% एवरेज पे वर्क करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब हमें पता है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें अचीव करने के लिए कंडीशन बताई लास्ट लेक्चर में, वो होती है अगर हमारा कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, हमें पता है कि हमारा कॉपर लॉस जो होता है वो लोड करंट के स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होता है, या हम ये भी कह सकते हैं हमारा जो कॉपर लॉस हो वो केवीए रेटिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारी केवीए रेटिंग 70% पे हो गई, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कॉपर लॉस भी कम हो गया, तो कॉपर लॉस पे हम 70% भी ले लेंगे, ठीक है, फुल लोड के। लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब हमारा कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर हो। तो हमारा अब कोर लॉस किसके बराबर होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में, कॉपर लॉस कितने परसेंटेज पे, 70% लोडिंग पे। ठीक है, इसका मतलब हमारा कोर लॉस का मान कम होना चाहिए, क्योंकि कोर लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए, और हमारा कॉपर लॉस का मान डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 70% पे लोड हो रहा है यूजुअली, तो हमारा कॉपर लॉस भी 70% पे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो उसमें कॉपर लॉस का मान कम हो जाएगा, और हमें कॉपर लॉस और कोर लॉस को इक्वल रखना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करनी है, तो हमारे कोर लॉस का मान भी कम होना चाहिए। और कोर लॉस हमें पता है कि फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, देखो दिस इज अचीव्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग कोर फ्लक्स डेंसिटी, मतलब हमारा कोर लॉस होता है फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम फ्लक्स डेंसिटी को कम कर दें, ठीक है, तो हमारा कोर लॉस का मान भी कम हो जाएगा। अब फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, लेकिन हमें पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होती है, कॉन्स्टेंट फ्लक्स मशीन होती है, तो फ्लक्स को तो हम कम नहीं कर सकते या ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर बढ़ा देंगे तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी। फ्लक्स डेंसिटी कम हो गई तो हमारा कोर लॉस कम हो जाएगा, कोर लॉस हमें कब कितना कम करना है कि वो 70% लोड पे कॉपर लॉस के इक्वल हो जाए, इतना अचीव करना है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए ना। ये कुछ पॉइंट्स थे आपको रिमाइंड करवाने के लिए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या देखा
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्म होता है उसी के लिए हम ऑल्ड एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी का उस वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप ये पॉइंट याद रखना। और ये क्यों? क्योंकि पावर ट्रांसफॉर्मर हमारा फुल लोड पे वर्क करता है हमेशा ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, वेरिएशंस ऑफ लोड पे वर्क करता है। तो इसीलिए हम क्या होता है कि ओल्ड एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी पावर ट्रांसफॉर्मर के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखिए, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी बोला था कि हमारा जो कॉपर लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ आरएमएस करंट के, ठीक है, जो फ्लो होती है वाइंडिंग में। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कॉपर लॉस होता है ना वो केवीए रेटिंग, ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे ओल्ड एफिशिएंसी के लिए, तो उसके लिए आपको एक पॉइंट क्लियर हो जाए कि जो हमारा कॉपर लॉस है ना, सपोज मान लो कॉपर लॉस मेरे को किसी भी लोड पर निकालना हो, किसी भी परसेंटेज लोड पर निकालना हो, तो उसके लिए आप एक ये स्टेटमेंट याद रखना, ये होता है हमारा एम स्क्वायर इंटू फुल लोड रेटेड कॉपर लॉस। मतलब फुल लोड पे जो कॉपर लॉस दिया होगा ना वो होगा फुल लोड रेटेड कॉपर लॉस। और ये एम स्क्वायर, एम क्या होता है, एम हम हमारा परसेंटेज लोडिंग, मतलब हमने ट्रांसफार्मर को फुल लोड के कंपेरिजन में कितने परसेंटेज लोडिंग पे रखा है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं गिवन लोड अपॉन फुल लोड, फुल लोड जो दिया हुआ होगा, और गिवन लोड जिस लोड पे तुम्हें निकालना है। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे फुल लोड रेटेड कॉपर लॉस हमें दे रखा है 100 वाट, ठीक है, और परसेंटेज लोडिंग दी है उसने 70% ऑफ फुल लोड। या अगर उसने ऐसे बोला कि फुल लोड हमारा 10 kVA है और आपको 7 kVA पे निकालना हो, तो 7 बाई 10 0.7, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 70%, ठीक है। तो जी एम का मान क्या होगा, 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49 × 100, तो ये हो गया हमारा 49। तो कॉपर लॉस हमारा 7 kVA पे क्या हो गया, 49 वाट। तो ये है हमारा कॉपर लॉस एट 7 kVA, और 100 वोल्ट के दे रखा था हमें, वो दे रखा था हमें फुल लोड जो हमारा 10 kVA था। तो यहाँ पे हम कॉपर लॉस किसी भी लोड पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आप ये दोनों चीज़ याद रखना, कॉपर लॉस है यानी लोड के लिए निकालने के लिए एम स्क्वायर इंटू फुल रेटेड कॉपर लॉस या फुल लोड कॉपर लॉस जो दे रखा होगा, एम हमारा परसेंटेज लोडिंग ट्रांसफार्मर, या हम जिसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते गिवन लोड अपॉन फुल लोड। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक 5 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, जिसका कोर लॉस का मान 40 वाट्स है और कॉपर लॉस हमारा 100 वाट्स इस रेटिंग पे। द डेली वेरिएशंस ऑफ द लोड, ट्रांसफॉर्मर की डेली वेरिएशंस दी है, क्योंकि डेली वेरिएशंस दी है इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर श्योरली, ठीक है, क्योंकि पावर ट्रांसफॉर्मर हमेशा फुल लोड पे वर्क करता है। अब कैसे वेरिएशन दी, मान लो सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, मतलब 6 घंटे का ड्यूरेशन हुआ, और वो 5 kVA फुल लोड पे वर्क कर रहे हैं, 5 kVA का हमारा ट्रांसफॉर्मर 5 kVA पे वर्क कर रहे हैं, तो परसेंटेज लोडिंग क्या होगी, 100%, पावर फैक्टर 0.6 पे, ठीक है। फिर 1 PM टू 6 PM 5 आवर्स का ड्यूरेशन है, और हमारा 2.5 kVA पे वर्क कर रहा है, मतलब 50% ऑफ लोडिंग, परसेंटेज लोडिंग 50% है, और हमारा पावर फैक्टर है 0.8 उस टाइम पे, ठीक है। फिर 6 PM टू 1 AM, ठीक है, शाम को 6 बजे से डे मॉर्निंग 1 AM तक, और 7 घंटे का रेडुएशन हो गया, लोड है हमारा 4 kVA का और 80% लोडिंग, ठीक है, या 0.6। ये 80% अगर मान लो, अगर आपको एग्जाम्पल में नहीं भी दे रखी हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 5 बाई 500, 2.5 बाई 5, ये हमारा फुल लोड है ना, ये गिवन लोड है और ये फुल लोड है हमारा, तो 2.5 बाई 5, तो ये हो गया 50%, और 5 4 अपॉन 5, ये हो गया 80%, 0.6। और 1 AM टू 7 AM की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उस टाइम पे कोई भी लोड नहीं है, तो हम परसेंटेज लोडिंग क्या होगी, 0%, और पावर फैक्टर होगा ही नहीं क्योंकि कोई लोड ही नहीं है। तो उस केस में हमें ओल्ड एफिशिएंसी निकालनी है ट्रांसफार्मर की। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ट्रांसफार्मर नो लोड के केस में हो तो क्या होता है, सिर्फ उसमें कोर लॉस होते हैं, और फुल लोड के केस में होता है उसमें कॉपर लॉस और कोर लॉस दोनों होते हैं। तो आप याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर में कोर लॉस हमेशा ही होंगे, चाहे लोड हो चाहे नो लोड नहीं हो। जैसे आपने यहाँ पे 24 आवर्स का ड्यूरेशन देखा, तो इसमें कॉपर लॉस सिर्फ कौन कौन से टाइम पे होंगे, इसमें होंगे, इस ड्यूरेशन में होंगे, इस ड्यूरेशन में, लेकिन यहाँ नहीं होंगे क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही, करंट फ्लो होगी तभी तो कॉपर लॉस होंगे ना, ठीक है। और यहाँ कॉपर लॉस होगा ना, तो कौन सा लॉस होगा, सिर्फ कोर लॉस होगा। तो कोर लॉस जो होता है हमारा वो 24 आवर्स के लिए होता है, सिर्फ कॉपर लॉस नहीं होता। चलिए हम एक सॉल्यूशन देखते हैं इस एग्जांपल का। एक चीज़ मैंने लास्ट में, द कोर लॉस रिमेंस फिक्स्ड 40 वोट दे रखा था ना, 40 वोट, तो कोर लॉस हमारा 40 वोट ही होगा। अब 24 घंटे का ड्यूरेशन है, ठीक है, तो 24 घंटे, अगर मान लो ये 18 घंटे के लिए कैलकुलेट करनी होती, ठीक है, तो आप 18 घंटे ले लेते हैं, तो यहाँ 18 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ भी 24 घंटे के लिए, तो 24 × 40 ये हो गया 960 वाट, और यह हम जिसे बोल सकते 0.96 किलोवाट हो गए। तो ये है हमारा टोटल कोर लॉस, ठीक है।
अब हमें कॉपर लॉस भी चाहिए और फिर हमें एनर्जी आउटपुट भी चाहिए, यही होता है ना हमारा। तो पहले बात करते हैं हम इस ड्यूरेशन की, सुबह वाले 7 बजे से लेके 1 बजे तक की, 6 घंटे का ड्यूरेशन हुआ, एनर्जी आउटपुट केवीए इंटू कॉस 5 इंटू हॉर्स, यही होता है ना। तो केवीए रेटिंग क्या है यहाँ पे, 5, तो 5 इंटू पावर फैक्टर क्या है 0.6, तो 0.6 इंटू और 6 घंटे का ड्यूरेशन तो 6, ये होगा हमारा 18 किलोवाट आवर। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, एम निकालना है, या एम क्या होता है परसेंटेज लोडिंग, या हम इसको बोल सकते हैं गिवन लोड अपॉन फुल लोड। तो गिवन लोड कितना 5 और फुल लोड क्या माना 5, तो 5/5 हो गया 1, या हम इसे बोल सकते हैं 100%। तो कॉपर लॉस इस टाइम ड्यूरेशन में निकालना हो, इस टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो हो गया 1 स्क्वायर, क्योंकि एम का मान 1 है ना, एम स्क्वायर इंटू फुल लोड पे, फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना दे रखा है 100 वॉट इंटू 100 इंटू, अभी एक घंटे का ड्यूरेशन, 6 घंटे का, 6 आवर्स का ड्यूरेशन ले रहा हूँ ना, तो इंटू 6, तो ये हो गया 600 वाट आवर, ये हो गया 0.6 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हुआ इस ड्यूरेशन के अंदर। अब दूसरे ड्यूरेशन में देखते हैं, 1 to 6, तो 5 घंटे का ड्यूरेशन हो गया, तो हमारा एनर्जी आउटपुट क्या होगा, केवीए, केवीए रेटिंग क्या है इस टाइम पे 2.5, पावर फैक्टर हमारा 0.8, तो 2.5 इंटू 0.8 इंटू 5, 5 घंटे का ड्यूरेशन है ना, तो ये होगा हमारा 10 किलोवाट आवर। ठीक है, एम क्या है, एम हमारा परसेंटेज लोडिंग है, गिवन लोड अपॉन फुल लोड, तो गिवन लोड है 2.5 इस टाइम पे, देखो 2.5 है ना, यहाँ परसेंटेज लोड 50% कैलकुलेट किया, तो 2.5/5=0.5। फिर इस ड्यूरेशन में हमें कॉपर लॉस कैलकुलेट करना, तो 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 100 किलोवाट फुल लोड पे इंटू ड्यूरेशन 5, तो ये हो गया 125 वाट आवर, से हम लिख सकते हैं 0.125 किलोवाट आवर। सेम हम नेक्स्ट ड्यूरेशन में 6 PM to 1 AM देखते हैं, तो एनर्जी आउटपुट 4 KVA रेट दे रखा था उस टाइम पे, इंटू 0.6 पावर फैक्टर इंटू 7 आवर्स का ड्यूरेशन है, तो ये हो जाएगा वहाँ 16.8 किलोवाट आवर। एम दे रखा है गिवन लोड अपॉन फुल लोड, तो ये गिवन लोड है हमारा यहाँ पे 4, फुल लोड हमारा 5, तो ये हो जाएगा 0.8, या हम इसे बोल सकते हैं 80% ऑफ लोडिंग। और कॉपर लॉस कैलकुलेट करना, तो इस टाइम ड्यूरेशन में, तो एम स्क्वायर इंटू हमारा फुल लोड पे कॉपर लॉस 100 इंटू ये टाइम 7 घंटे का, तो 7, ये हो गया हमारा 448 वाट आवर = 0.448 किलोवाट आवर। ठीक है, फिर यहाँ देखो 1 AM to 7 AM की अगर हम बात करते हैं, तो एनर्जी आउटपुट क्या है हमारा यहाँ पे, नो लोड है, तो नो लोड के केस में एनर्जी आउटपुट क्या होगा 0। सेम अगर कॉपर लॉस भी हमें कैलकुलेट करना, तो एम का मान भी 0 होगा, तो कॉपर लॉस वैसे भी 0, और तार ये वैसे भी 0 हो रहा है अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चारों ड्यूरेशन के अंदर कॉपर लॉस, कोर लॉस और एनर्जी आउटपुट के मान। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमारा ऑल डे एफिशिएंसी निकालने, तो ऑल डे एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी आउटपुट चाहिए 24 आवर्स के लिए, एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी लॉसेज चाहिए। ठीक है, तो टोटल कोर लॉस हमने स्टार्टिंग में निकाला था, क्योंकि कोर लॉस का मान अगर 24 घंटे ड्यूरेशन के लिए दे रखा था, उसका मान सेम होगा। फिर हम कॉपर लॉस की बात करते हैं, तो कॉपर लॉस 24 आवर्स के लिए देख लो आप, तो हमने जैसे कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, देखिए ये था 0.6 किलोवाट आवर, फिर ये 0.125 किलोवाट आवर, फिर ये 0.448 किलोवाट आवर, और ये 0 किलोवाट आवर, तो ये चारों को ऐड किया, तो ये हमें मिला फाइनली 1.173 किलोवाट आवर। फिर हम देखते हैं टोटल एनर्जी आउटपुट, आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी आउटपुट है यहाँ पे, यहाँ पे 18, यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 16.8 और ये 0, इन चारों को ऐड किया, तो ये हमें मिला 44.8। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, जैसे यहाँ पे आपने कॉपर लॉस और कोर लॉस दे रखा था ना, ये एनर्जी लॉस है टोटल। ठीक है, ये मैंने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है ड्यूरिंग इस हॉर्स के अंदर, तो आप ये मत सोचो कि कोर लॉस और कॉपर लॉस किलो वाट हॉवर या वाट हॉवर में क्यों दे रखा है, ये टोटल एनर्जी लॉस है। ऑल डे एफिशिएंसी निकालने के लिए हम वैल्यू रखते हैं, हमारी एनर्जी आउटपुट 44.8, एनर्जी आउटपुट प्लस हमारा कॉपर लॉस और कोर लॉस, तो कॉपर लॉस और कोर लॉस ऐड किए, ये हमें मिला 0.9545, ये पर यूनिट वैल्यू है, परसेंटेज निकालने होते तो हमें पता ही है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये फाइनली हो जाएगा 95.45। ये हुआ हमारा ओल्ड एफिशिएंसी कौन से ट्रांसफार्मर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। जैसे मैंने बताया था, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ही हम ओल्ड एफिशिएंसी या एनर्जी एफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर के लिए नहीं, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर हमेशा फुल लोड पे वर्क करता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको एनर्जी एफिशिएंसी, ओल्ड एफिशिएंसी, उससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद।